बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 30/9/2010। मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली का आज का हेडिंग है मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो और दैवी गुण धारण करो। आज का प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पद्म पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इस मेहनत से ही तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्म पति बन जाएंगे। आज की धारणा का मुख्य सार है, नंबर एक, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। बाप से हमारा वायदा है, तू जहां बिठाए, तू जो खिलाए, तू जैसे भी रखे, हम वैसे चलेंगे। नंबर दो, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रह करके करना है, तो मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। अच्छा, आज का वरदान है मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर, सुख्यम वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से क्या करो, खाली रखो। यहां रहते भी वतन की सभी सीन सिनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने पर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन और बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन करो, अर्थात जो भी सोचें, जैसा भी सोचें, सकारात्मक सोचें। सब बोझ बाप को देकर लाइट बनो। मन और बुद्धि से क्या करेंगे, सदा शुद्ध सकारात्मक संकल्पों का हम भोजन करेंगे। कभी भी देखो मीठे मीठे बाबा क्या कहते हैं, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो
और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अब इसके लिए भी अभ्यास करना होगा, तो बार बार स्वयं को स्मृति दिलाते रहें और इस स्लोगन को सारा दिन याद करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।